मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर 21 मार्च से धरना आंदोलन जारी है। मध्य प्रदेश विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष मोहन जाट ने बताया कि सेवा सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित मांगों की ओर शासन ध्यान नहीं दे रहा है, इस कारण मजबूर होकर हमें आंदोलन का कदम उठाना पड़ रहा है। 21 मार्च को देवास जिला कलेक्टर को लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। 23 मार्च को सहकारिता मंत्री का भोपाल में घेराव किया गया। 24 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष B.S. चौहान ने मुंडन संस्कार कराया। 25 मार्च को सतवास में धरना प्रदर्शन किया गया। 26 को कन्नौज सेवा सहकारी संस्था परिसर में करीब 300 संस्था के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर धरने में भाग लिया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। महासंघ भोपाल के आह्वान पर हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी लंबित मांगे हैं, एक की मांग चाहिए हमको, जो वेतन मान सम्मान पूर्वक वेतन मिले हमको। जो आज तक जो वेतन मिल रहा है संस्था कर्मचारियों को, चाहे भत्ते हो, सेल्समैन हो, चौकीदार हो, ऑपरेटर हो, नीचे सम्मान मिल रहा है 6-7 हजार रुपये, ज़्यादा कोई मिलता नहीं है और वो भी कभी कभी मिलता ही नहीं है। तो हमको वेतन मान लागू किया जाए और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो वेतन मान वाली, हमारा जो वेतन है सरकार से मिले ना कि संस्था से, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा ये धरना आंदोलन जारी रहेगा। और शासन के कर्मचारी होना चाहिए, शासन का टोटल काम हम करते हैं, तो नियमितकरण स्थानांतरण सब होना चाहिए हमारा। और इस सोमवार को ये धरना प्रदर्शन जिला स्तर पर देवास पर रहेगा, जिसमें हम सभी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। 1 तारीख को और 1 तारीख को भोपाल में मुख्यमंत्री के निवास पर जाएगा। और अगर मांग नहीं माने तो सामूहिक इस्तीफा दे सकते पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी। ये हमारी महासंघ का आह्वान है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।